छोटी बेटी की शादी का शादी है 10 फरवरी को, लेकिन आज वो छोटा सा कार्यक्रम है, बहुत बधाई का होता है। उसमें माननीय ये मेरा आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को देश के मान्यता माननीय शरद पवार साहब और माननीय अखिल साहब। तो दोनों का प्रोटोकॉल आपको मिल गया है सर? जी हाँ, दोनों और आप सब लोगों का भी आशीर्वाद शुक्रिया। दोनों बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, उनका जीवन आगे बढ़े, स्वस्थ है, आगे तरक्की और खुशहाली उनके जीवन में आए। मुझे नहीं पता कि कहां का नाम बदल रहा है, ये बीजेपी वाले हैं। आपके आने से पहले मुझे जानकारी मिली कि लगभग 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका ही सरकार प्रचार कर रही है। जो सरकार 20 लाख करोड़ से ज्यादा का टारगेट फिक्स कर रही है, क्या इतना उनको एमओयू हो रहा है या इन्वेस्टमेंट आने के एमओयू हो रहे हैं? वो शिक्षा के क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का प्रचार कर रहे हो, इससे ज्यादा दुर्भाग्य और निराशाजनक कुछ नहीं हो सकता। ये बीजेपी के लोग बताएं कि पहले जो एमओयू हुए थे वो कितने जमीन पर हुए, डिफेंस एक्सपो के बहाने जो आपने बुंदेलखंड में मिसाइल बनाने की बात कही, बम बनाने की बात कही, वो कितना जमीन पर उतरा है? सवाल आज ये है कि बेरोजगारी कम होगी कि नहीं होगी? आप इन्वेस्टमेंट कितना भी ले आए, लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी नहीं खत्म होगी, नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये इन्वेस्टमेंट किसके लिए है? और फिर महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब अमूल कीमत बढ़ाएगा, अमूल का आज बाजार बड़ा है और अमूल का दूध का या उनके अन्य प्रोडक्टों की कीमत बढ़ने का मतलब यह है कि जितने भी बाजार में दूध दही के प्रोडक्ट हैं उन सब की कीमत बढ़ जाएगी। अमूल ने बढ़ाया, पराग ने बढ़ा दिया। मैं अपने क्षेत्र में काऊ मिल्क प्लांट लगवाया था, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, हेमा मालिनी जी का नाम है उस पटिया पर। वो प्लांट बंद हो गया, वो प्लांट बंद कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बुलंदशहर वो शहर है, जिला या आसपास वो जिला है जहाँ दूध का कारोबार सबसे ज्यादा होता है। मुझे याद है नेताजी के साथ में एक कार्यक्रम में शादी में शामिल होने आया था, उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था, नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, इसी जिले में आए थे शादी में। आज दोबारा मैं शादी में आया हूँ और दूध का काम इस जिले में बहुत है। तो सोचो अगर अमूल ने कीमत 3 रुपए बढ़ाई तो क्या मुनाफा गाय और भैंस रखने वालों को हो रहा है कि कंपनी को मुनाफा हो रहा है? ये बीजेपी किसान को मुनाफा आय दोगुनी नहीं चाहेगी, ये कुछ लोगों को मुनाफा ज्यादा कमाना चाहती है। स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई काम थे गाजियाबाद में, तो ये नाम बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता इन्हें बदल देगी। देखिए आपको परमिशन नहीं मिल रही, ना मुरादाबाद में मिली या बुलंदशहर में मिली, क्या वजह है? देखिए ये कहते हैं कि इन पे अंतर्राष्ट्रीय वो है हवाई अड्डे, इनका विज्ञापन देखिए, हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की, हमारी सरकार में हुई और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहाँ भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, बताइए मदद हुई क्या जो मदद का वादा किए गए थे? ये बीजेपी के लोग ही कराते हैं, याद रखना, जितना गड़बड़ होगा सब बीजेपी कराएगी।